ब्लॉग का एंड हो गया और दूसरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। और उस वीडियो में हमने नहीं दिखाया था कि हम क्या खाने जा रहे हैं। तो ये हमारा खाना स्पेशल गांव का खाना क्या है रिंची? चावल तेल नमक अचार। प्याज नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। कौन कौन इस तरीके से खाता है बताइएगा जरूर। आओ तुम भी आओ, इनसे मिला लेती हूँ। मैंने बोला था ना, अब तो बाल सही हो गए कि नहीं? नहीं सही हुए हैं। और ठीक है सब लोग? हाँ सब लोग ठीक है। हाँ ले आओ। और आप लोगों से पूछ रही है रिमझिम बेटी, आप लोग ठीक हो कि नहीं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ठीक हो कि नहीं। भाई हमें तो बताते हो, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग ठीक हो कि नहीं। चावल नमक तेल और अचार, देसी अंदाज का देसी खाना। तुम भी खाओगे? मैं नहीं खाऊंगी, मेरे मुंह कभी नहीं। ये लोग खाना पीना खा चुके हैं, है ना? हमें दी है, बताओ सूखा सूखा खाना दी है अपनी चाची को। देर में आई है तो सूखा ही मिलेगा। और अपना ये लोग पूरा आइटम बना के आज खाई है। आज है नवमी, है ना? पूरा आइटम क्या क्या बना था बताओ? कद्दू की सब्जी, रोटी, चावल, चावल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो ना देखोगे, हम वही देसी खाना खा रहे, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। खुश रहो, आ जाओ। हमारी लड़की का मैडम मिली तो दो बच्चे की अम्मा से शादी करोगे? हाँ चुप, सिर्फ सुनो तो, सिर्फ तुम लोगों का डायलॉग रहता और कुछ नहीं। बांध भी कर लोगे, सुंदर जहाँ दिखी है ना, जहाँ अच्छी दिखी नहीं बुलावत है तो। कौन फुदकता है? रामू है, बस ऐसी वाली स्टेप करते हैं। आप पांच को वीडियो बनाना। राधा बनते हैं क्या? जो दुकान वाले बाबा के लड़के वही है। पल्लू मेरा सरक रखू। एकदम नमक कम लग रहा है यार। नमक कौन नहीं है? छिपी फिसी हो। तुम कहाँ थे? कौन मंगाया? देसी अंदाज का देसी खाना। नहीं बनाया चाय वाली मुझे। तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर देखिए कंचन और अंजू भाभी लोग कैसे बात कर रहे हैं। आप लोग सुनिए इन लोगों की बातें। और यहाँ पर इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी आप देखिएगा क्या रिएक्ट होता है नंदी जी का इस पर। क्या करोगे कंचन? ए कंचन बताती तो जाओ क्या करोगे। आटा साना जाएगा जो माता जी में चढ़ेगा और बच्चों को सबको खिलाया जाएगा। इसमें गूंदा जाएगा, आटा फुसले में सनेगा। अच्छा पूरी बनाएंगे, अभी बेला जाएगा तब आइएगा। कौन है परेशानी? इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर इस साइड, इस साइड, इधर 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 पीढ़े की साइड आ जाओ। कहाँ गए? इधर आओ बाबू। हाँ ये देखो कौन है, पहचाने? कौन है बताइए, कौन है? पहचान गए आपको? आप कौन हो बताओ? अंश हो? अंश तो बड़ा हो गया भाई, हम तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं अंश के पास। क्या अंश के पास तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं? अंश बड़ा हो गया है क्या? इसीलिए ये कौन है? कौन? ये मेरा प्यारा भाई अंशु, बहुत अच्छा डांस करता है। और ये जो चक्कर, और ये बाबू आया था, मैं इसको पहचान ही नहीं पाई, बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। और हम लोग जा रहे हैं अभी छत पे, लंबा हो गया ना बहुत ज्यादा। हाँ लंबा हो गया है, छत पे। तो चलिए चलते हैं छत पे हम अपने। हम लोग जा रहे हैं छत पे, रिमझिम करेगी डांस। चलिए चलते हैं। तो भाई जैसे हम छत पर गए, मम्मी जी सब लोग पूरी बेल रहे थे और पूरी बेलना, जैसे कंचन बता रही थी ना कि अभी ले जाएंगे आटा भी मिलेगा और फिर इसके बाद बनेगी पूरियाँ।
तो वही देखिए पकड़ने चला और वो देखिए रही है बेच रही है साड़ी पहनी है यानी नंद जी मेरी चोटी लंबी है और ये आपकी जी जो भी या जो भी बोलो जो भी आप लोग बोलते हो भैया से भैया जी से सोची जो है ना और ये है हमारा पंडाल यहाँ पर आपके बात में पूरी सी की जगह नहीं उठाई बैठने की और और कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लगी लेकिन हर बार इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है ना इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है मैं आपको क्या बताऊँ हद से ज़्यादा लगती है कि आपको मतलब पूरा रोड जो दिख रहा है ना चौड़ा चौड़ा सा वो रोड तक भी नहीं बसता है और हमारा हर साल का है कि नवरात्रि में हमें यहाँ आना ही आना है ये देखिए जो बीच में रोड दिख रही है ना पीछे चौतरा कुछ भी नहीं बसता है लोगों की इतनी भीड़ हो सकती है और ये लोग बैठे हुए हैं सभी लोग यहाँ पे गाँव के वो लोग बात कर रहे हैं और जो खड़े हैं ना ये देखिए आटा लगा रहे हैं और ये मन ये है चौचबा पहचान तो गए होंगे ना देवानी जी का बेटा और ये देखिए बस इतनी सारी पूड़ियाँ बेल रहे हैं पूड़ियाँ बेलने में काफ़ी टाइम लगता है लेकिन उतना नहीं लगता कि ये जो पूड़ियाँ बेल रही हैं ना मैं आपको बताऊँ इससे जो गांव से जितनी कन्याएँ होती हैं ना कन्या वो जिसको कहते हैं जैसे नवरात्रि में नौ कन्या को आप लोग खिलाते हो ना तो सेम यहाँ पर भी होता है लेकिन जितनी भी गांव की कन्याएँ होती हैं उन सभी को खिलाया जाता है और जितनी यहाँ पर पूरी भी होती है सारी सी गाँव होती जो अपने मैके पक्ष की होंगी जैसे मेरी देवरानी में तो मैका है तो मैके पक्ष की है ना तो फिर ये लोग भी खा लेंगे और ऐसे बड़े तो नहीं खाते सिर्फ कन्या भोग होता है और जब कल विसर्जन होगा ना हमारे यहाँ गाँव में विसर्जन भी होता है जैसे सभी के आप लोग तो जानते हैं विसर्जन का मतलब माता रानी को शहराना यानी गंगा जी नदी में तो वो चीजें जो होती है ना वहाँ पर होता है पूरा गांव जितने लोग होते हैं ना जो विसर्जन में जाते हैं और जिनको खाना है वो आप खा सकते हैं तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ छोटा सा प्रोग्राम हो जाता है और अच्छा भी लगता है हर साल का नियम है इनको भी आना और हमको भी आना है तो जब सभी फैमिली एक साथ होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है तो इस टाइम अभी हमारी सारी फैमिली साथ है कभी ऐसा होता था कि हम लोग आए हैं बड़े भैया लोग भाभी लोग को टाइम नहीं मिल पाता था तो वो लोग नहीं आ पाते थे लेकिन इस साल सभी लोग साथ हैं तो बस काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लोग देखिए पूरा ये है हमारी गाड़ी जिससे हम आए हैं और ये है हमारा घर किसी दिन हम होम टूर करवाएंगे आप लोगों का गाँव का आप लोग कॉमेंट कीजिएगा तो थोड़ी सी वॉइस रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ की भी सुनिए ओ बस चलिए आप लोगों से हम थोड़ी देर में मिलेंगे है ना तो अब चलते हैं घर तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो गई है अब चलते हैं घर पर थोड़ी सी बातचीत हो जाती है ना भाई सभी रात के बज रहे हैं कितने बज रहे हैं साढ़े सात पक्का पता कि 7:30 बज रहे हैं रात देखे तो ऐसा ही लग रहा कि 7:30 बज रहे हैं और पूड़ी बेल चुकी है अभी कन्या खिलाई जाएंगी तो कन्या खाने जाएंगी ये मैडम जाएंगी हमारा सोना हाँ। और अभी हमने आपको किससे नहीं मिलवाया अभी हमने अपने बाबू से नहीं मिलवाया है प्यार करते हैं सोना बाबू है क्या सोना बाबू क्या हाय करो यहाँ गाँव वाला सामान दादी कहाँ रखी हो इधर आइए इधर आइए कौन सा गाँव वाला सामान क्या पूछ रही है दादी गाँव वाला सामान कहाँ रखी हो कौन सा सामान बेटा दादी वाला कौन सा सामान बताएंगी चल आज कोई कहेगा देखो किससे खाई है दादी से बोल रही है कि दादी आपका गांव वाला सामान कहाँ बताओ हम बिल्कुल बड़ों की तरह बात करती है ये एकदम है ना बाबू ये तो आटा खाने क्या मांग रही है अच्छा मेकअप वाला सामान गांव वाला सामान हाँ वो अपना दिमाग लगाई होगी भाई हम कहेंगे कौन है सामान कोई कौन है भैया ये कौन है बाबू कौन है ये कौन है ये देखो कौन है कौन है कौन है कौन है बाबू ये चाहिए आपको क्या करेंगे इसका इधर आइए दिखाइए इधर आइए बाबू मेकअप करेगा तो अभी ये पूरी चाचा Yeah.
तो अभी पूरी मिल चुकी है और अभी जाएंगी रिमझिमो कन्या खाने के लिए। शैतानों के बीच फेंकना तो कहीं। हाँ हम तुमको ना फेंक देंगे। देखिए क्या कर रहा है, आटक ले नीचे कूद रहा है। कूदने दो उसको। तो अभी जाएंगे छुटा छुटा के खा रहा है। हाँ और अभी जाएंगे रिमझिमो कन्या खाने के लिए, तब हम आप लोगों से मिलेंगे। और अभी आरती वगैरह भी होगी, तो चलिए थोड़ी देर में मिलते। चाचा आ गए हैं, हेयर भी मेरे खुल चुके हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी मुझे अपना कमरा सेट करना है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है गाइस, अब हम करते हैं इस ब्लॉग का भी एंड। आज आप सोचोगे कि दी कितना ज्यादा एंड कर रही है, कितना ज्यादा एंड कर रही है। तो हाँ, और अगर मैं चाहती दिखाओ मेरी छूट गई, अगर मैं चाहती तो छूट गई। हाँ अगर मैं चाहती तो एक ही दिन में पूरा दिखा देती, लेकिन वो मुझे कवर करना पड़ता कितना, 10 से 11 मिनट में। तो कोई मतलब नहीं है, अगर हम गांव आए हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूँ, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ताकि आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से देख सकें, इन्जॉय कर सके, है ना। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर देती हूँ। और अभी आरती होगी, अभी हम जाएंगे पंडाल में, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ अच्छे से ही शेयर करनी है ना, इसी वजह से इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।